खबर बुरहानपुर से है, जहां जिले में कांग्रेस कमेटी द्वारा विशाल किसान एवं बुनकर न्याय यात्रा निकाली गई। कांग्रेस ने रैली निकालकर भाजपा को वादे याद दिलाने की कोशिश की। चुनाव के समय भाजपा ने सोयाबीन के 6,000 रुपये और कपास के 10,000 रुपये प्रति क्विंटल देने का वादा किया था, लेकिन किसानों को उपज का सही दाम नहीं मिल रहा। रैली के माध्यम से ही केला उत्पादक किसानों को तत्काल बीमा योजना लागू करने की मांग की गई, साथ ही बुनकरों की समस्याओं को भी उठाया गया। ये यात्रा राजपुरा, डाकवाड़ी, जय स्तंभ, मंडी बाजार सहित प्रमुख मार्गों से निकली। अंत में कलेक्ट्रेट पहुंचकर ज्ञापन दिया गया, साथ ही शहर की समस्याओं को लेकर भी आंदोलन किया गया। सभी किसान और कांग्रेसी ट्रैक्टर रैली लेकर रैली में शामिल हुए और भाजपा सरकार का पुरजोर तरीके से विरोध किया। बुरहानपुर से गोपाल देवकर की रिपोर्ट। बुरहानपुर की बुरहानपुर के किसान, केला किसान इस बात के लिए परेशान है कि अभी तक फसल बीमा नहीं हुआ, उनमें मुआवजा कभी नहीं मिल पाता और शहर का पावर लूम बंद करके जो हाल बेहाल है। तो हमने आज पावर लूम बंद कर साथियों के लिए और किसानों के लिए ये आंदोलन कर रहे हैं कि पावर लूम बंद करो का पूरा बिजली बिल माफ हो और पावर लूम बंद करो का जो कपड़ा है ये फेडरेशन सरकार खरीदे और बुरहानपुर के आम जनता को और आम जिले के लोगों को राहत दे। जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा आज किसानों के सम्मान किसान बुनकर न्याय यात्रा के नाम से हम लोग आज ये कार्यक्रम हमारा कर रहे हैं, जिसमें किसानों को जो मौसम आधारित फसल बीमा का आज जो लाभ नहीं मिल पा रहा, सोयाबीन की 6,000 रुपए की जो फसल का इन्होंने चुनावी वादा किया था, धान का समर्थन मूल्य का इन्होंने वादा किया था, वो सारे वादों से पूरी तरीके से बदल चुके हैं। आज बुनकरों के सामने जीवन मरण का प्रश्न खड़ा हो चुका है। बहुत ज्यादा वो सब तकलीफों के अंदर जीवन व्यतीत कर रहे हैं। शहर में सड़कों के क्या हाल है, कितने बुरे हाल है, इन सब बातों को लेकर आज हमारा किसान बुनकर न्याय यात्रा के रूप में। यहाँ जैसे टेक्सटाइल पॉलिसी है, बुनकर पावर लूम चलाने वाले को मतलब बड़ बीमा अखराजा मिलना चाहिए, तो तमाम सहूलतें जैसे बुनकरों के लिए जमीन आवंटित नहीं हुई, आज तक बुनकरों को बाहर बसाने की बात चल रही है, तो बुनकरों के नाम पर सिर्फ बुनकर वोट देने के लिए पैदा हुआ है। यहाँ पे हमने कांग्रेस के प्लेटफॉर्म पे इसलिए आगे अपना आंदोलन शुरू किया कि हमारी भी सहूलत, जो बुनकर देश में कपड़ा बनाता है, कफन बनाता है, तमाम किस्म के देश को वस्त्र पहना रहे हैं और बुनकर खाली हाथ है, तो इसलिए तमाम बुनकरों के लिए भी जो सहूलत गवर्नमेंट चाहती है उनको दी जाना चाहिए। बिजली बिल में सब्सिडी होना चाहिए, उनकी आवास योजना में फायदा होना चाहिए। इन तमाम चीज़ों को लेकर हम आज यहाँ पे बुनकर न्याय और किसान यात्रा के साथ में शामिल हुए। देखिए, आज की जो रैली थी, पूरे प्रदेश में हमारे प्रदेशव्यापी आंदोलन हो रहा है किसानों और बुनकरों के लिए, जिसमें हम किसानों की फसल बीमा की मांग को लेकर और बुनकरों की मांग को लेकर आज हम सड़कों पर उतरे हैं। इससे पहले हम ज्ञापन और कई माध्यमों से सरकार को इसकी सूचना दे चुके हैं, लेकिन ये अंधी बहरी सरकार किसानों की और बुनकरों की कोई सुन नहीं ले रही, क्योंकि ऐसी सरकार किसान विरोधी है। तो जो इसीलिए आज हम जो मौसमी फसल बीमा होता है किसानों का, उसके लिए खास हमने आज ये यात्रा निकाली है। और जो किसानों की अन्य समस्याएं हैं, जैसे कि मंडी के अंदर अपना किसान अपनी फसल को बेचने जाता है तो उनको उचित जो रेट सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य है उसके आधार पर उन्हें नहीं मिलता। बुनकरों की समस्याओं को लेकर सोयाबीन की जो 6,000 की देने के जो उन्होंने लोकसभा और विधानसभा में वादे किए थे उसको लेकर ऐसी अनेकों समस्या, ये केवल मध्य प्रदेश नहीं पूरे हिंदुस्तान के किसानों की समस्या है, जिसकी शुरुआत अब किसान न्याय यात्रा में पूरे देश में हो रही है। उसी के लिए आज बुरहानपुर मध्य प्रदेश में भी आज ये किसान न्याय यात्रा ट्रैक्टर के माध्यम से आज हम कलेक्टर कार्यालय पहुँचे हैं और कलेक्टर माध्यम से आज हम यहाँ पर सूचना दे रहे हैं।